अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, और आज वाक एंड में दूसरा दिन है मेरा साकिब भाई के साथ। हम घूमने आए हैं और यहाँ पर बड़ी प्यारी मस्जिद बनी हुई है। सो मैंने साकिब भाई को बोला ज़रा रोकें, ज़रा हम देखें इसका आर्किटेक्चर कैसे बना हुआ है। और बिल्कुल जो है ना, ये मेरे नज़र में, मेरे ख्याल से बादशाही मस्जिद वाली थोड़ी बहुत लुक दे रही है। और अभी हम ना यहाँ पर और भी चीज़ें घूमेंगे और दिखाएंगे। वाक एंड एक बहुत ही खूबसूरत एरिया है ये। अगर आप यहाँ पर आके घूमना चाहें तो बहुत ही अच्छी अच्छी जगह हैं, बहुत तारीखी चीज़ें हैं, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें भी यहाँ पर आपको मिलेंगी। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम आगे। अभी हम आए हैं लोसर बावली। ये पार्क है, ये 17वीं सदी के जो है मुगलिया जो थे उनके मतलब तामीर का ये जो है हिस्सा है, और ये तब से बनी हुई है और बहुत पुरानी है ये, मुगलों के दौर के। तो ये यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन लिखी है, स्क्रीनशॉट लेके और आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से रसन जाते ये देखें, बिल्कुल जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताई उसके मुताबिक ये लग रही है, बिल्कुल जो है ना पुरानी। अभी यहाँ पर नीचे कंस्ट्रक्शन हो रही है और अभी ये दीवार नीचे कोई गिरी है उसका जो है ये कटिंग करके मजीद जो है या नीचे जो भी गिरा है मलबा वगैरह वो उठा के और फिर रिपेयर करेंगे। है ये यहाँ वैसे नीचे क्या है उसको जो है ना, ये दोबारा तबीर कर रहे हैं, इसका मलबा बाहर फेंक रहे हैं, मिट्टी निकाल रहे हैं। ये तकरीबन कुआं 100 फुट डूंगा है और इसके स्टेप है, सीढ़ियाँ बनी हुई है, 100 सीढ़ियाँ है नीचे पानी। सही सही। तो नीचे जाके वहाँ से पानी लोग पीते हैं, पानी निकालते हैं। तो अभी इसको जब रिपेयर करेंगे तो दोबारा आवाम की ठीक 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 अभी इसकी मतलब तामीर चल रही है, रिपेयर कर रहे हैं तो और मजीद इसको अपग्रेड कर रहे हैं ताकि ये जो असासा है हमारे पास जाया ना हो, अब मजीद इसको और जो है हम आगे लोगों को दिखा सकें। ठीक 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 चलें जी। ये आपने सुन लिया कि ये इसकी क्या जो है हिस्ट्री है। बहुत शुक्रिया आपका इन्फॉर्मेशन देने का हमें। बहुत खूबसूरत पार्क है जी यहाँ पे, लाजवाब किस्म का। अभी हम आपको ना मोर दिखाएंगे, हम मोर इनकी इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है। ये जी बहुत ट्री है,
यहाँ पर लगा हुआ है और इसकी एज भी लिखी हुई है, 300 ईयर्स एज है इसकी अप्रोक्सीमेटली। वाक को अलविदा कहते हुए और अभी हम जा रहे हैं। ये यहाँ के जी वाक एंड के एमपीए का घर है, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। तो भाई ये था हमारा वाक एंड का दूसरा दिन और आज मैं जा रहा हूँ साकिब भाई को अलविदा करते हुए, और ये अपने ख्यालों में खड़े हुए हैं।